जुलाई 1886 में मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। वो भारत की प्रसिद्ध महिला चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता और पद्म भूषण प्राप्तकर्ता थीं। वो भारत की प्रथम महिला विधायक थीं। उनके ऊपर स्वामी विवेकानंद और गांधी के विचारों का बड़ा प्रभाव था। उन्होंने समाज सेवा में विशेषतः महिलाओं और बच्चों के कल्याण की अनेक योजनाएं आरंभ की थीं। मुत्तु लक्ष्मी जीवन भर महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ती रहीं। उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया। मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी ने देवदासी प्रथा के उन्मूलन, बाल विवाह रोकथाम कानून व महिलाओं और बच्चों की तस्करी रोकने के लिए कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही विवाह के लिए लड़कियों की सहमति की आयु को बढ़ाकर 14 करने वाला विधेयक भी लेकर आई थी। वहीं छोटी बहन की मृत्यु कैंसर से होने के बाद उन्हें गहरा सदमा लगा था, जिसके बाद उन्होंने 1954 में अडियार कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी। वर्तमान समय में ये दुनिया के सबसे बड़े कैंसर अस्पतालों में से एक है, जहां हर वर्ष हजारों कैंसर रोगियों का इलाज होता है। वर्ष 1968 में 22 जुलाई को 81 वर्ष की आयु में मुत्तु लक्ष्मी रेड्डी का निधन हो गया था। 30 जुलाई 1882 को सत्येंद्र नाथ बोस का जन्म पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में हुआ था। वो एक प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। अरविंद घोष के विचारों से प्रभावित होकर सत्येंद्र नाथ बोस क्रांतिकारी आंदोलन के संपर्क में आए थे। जतिन बनर्जी की प्रेरणा और स्वामी विवेकानंद के प्रभाव से सत्येंद्र नाथ बोस ने युवकों को अपने दल में शामिल करने के लिए छात्र भंडार नामक संस्था बनाई थी। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य स्वदेशी का प्रचार करना था, लेकिन इस संस्था ने युवाओं को क्रांतिकारी दल से जुड़ने का कार्य किया। सत्येंद्र नाथ बोस गर्म विचारों के क्रांतिकारी थे। उनके विचार बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष से प्रभावित थे। किंग्सफोर्ड की हत्या कराने के लिए सत्येंद्र बोस ने ही खुदीराम बोस को प्रेरित किया था। किंग्सफोर्ड पर आक्रमण की घटना के बाद अवैध तरीके से हथियार रखने के कारण सत्येंद्र नाथ बोस को 2 महीने की सजा हुई और उन्हें अलीपुर जेल भेज दिया गया। सत्येंद्र नाथ बोस ने जेल में अंग्रेजों के एक मुखबिर की हत्या करा दी थी। सत्येंद्र नाथ बोस पर इस हत्या का मुकदमा चलाया गया और ब्रिटिश सरकार द्वारा 21 नवंबर 1908 को उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। 30 जुलाई 2019 को भारतीय संसद ने ट्रिपल तलाक बिल पास किया था। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही ये बिल कानून बन गया। इस कानून के तहत किसी भी रूप में, जैसे मौखिक, लिखित, ईमेल या एसएमएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 3 तलाक देने की प्रथा को अवैध और शून्य करार दिया गया था। इस कानून के तहत ट्रिपल तलाक देने वाले व्यक्ति के खिलाफ 3 साल तक की कैद और जुर्माना का प्रावधान है। साथ ही पीड़ित महिला को अपने और अपने बच्चों के लिए भरण पोषण की मांग करने का भी अधिकार दिया गया है। कानून में पीड़िता को अपने नाबालिग बच्चों की संरक्षता का अधिकार भी दिया गया है। यदि कोई पति अपनी पत्नी को ट्रिपल तलाक देता है तो पीड़िता या उसका संबंधी इस मामले की जानकारी पुलिस को दे सकता है, जिसके बाद गिरफ्तार किए गए पति को मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत दी जा सकती है, लेकिन पीड़िता को सुने बिना जमानत नहीं दी जा सकती। वहीं मजिस्ट्रेट के समक्ष दोनों पक्षों की सहमति से समझौते भी किए जा सकते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और 3 तलाक की प्रथा से होने वाले उत्पीड़न को समाप्त करना था। 30 जुलाई 2012 को एक साथ 6 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की बिजली गुल हो गई थी। उत्तरी ग्रिड में खराबी के कारण दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में एक साथ बिजली गुल होने से 36 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। करीब 15 घंटे बाद बिजली आई थी, लेकिन अगले दिन यानी 31 जुलाई को पावर ग्रिड फेल होने की वजह से बिजली फिर चली गई थी, जिसके कारण 22 राज्य प्रभावित हुए थे। बिजली ठप होने के कारण कई ट्रेनों को बीच रास्ते में रोकना पड़ा था। वहीं सिलसिले में बिजली विभाग की एक स्टैंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट भी जारी की थी। रिपोर्ट में बिजली गुल होने के पीछे के कई कारण बताए गए थे। रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि बिजली का असामान्य वितरण पावर कट की वजह बना था, क्योंकि कुछ राज्यों में 24 घंटे बिजली दी जा रही थी। इससे लोड ज्यादा बढ़ रहा था। क्षमता से ज्यादा बिजली देने के चलते ग्रिड अचानक फेल हो गई थी। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इतने बड़े स्तर पर पावर कट की वजह सभी स्टेशनों का काम ना करना था।
बताया जाता है कि पावर फेलियर के दौरान महज 4 सब स्टेशन ही काम कर रहे थे। इससे ओवरलोड हो गया था जिससे ग्रिड फेल हो गई थी। शिक्षा देश का गौरव है और RKDF यूनिवर्सिटी शिक्षा का उद्यम है। RKDF में सवारे अपना भविष्य। PhD MPhil करे अपने पसंदीदा विषय में। सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज। RKDF यूनिवर्सिटी। RKDF में सवारे अपना भविष्य। PhD MPhil करे अपने पसंदीदा विषय में। सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज केवल RKDF यूनिवर्सिटी में। RKDF यूनिवर्सिटी। RKDF में सवारे अपना भविष्य। सर्टिफिकेट डिप्लोमा के 74 कोर्सेज केवल RKDF यूनिवर्सिटी में। RKDF यूनिवर्सिटी। RKDF यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ओपन। RKDF यूनिवर्सिटी भविष्य को लेकर परेशान है? RKDF यूनिवर्सिटी है इसका हल। PhD MPhil किसी भी विषय में। डिप्लोमा के अनेक अवसर है। RKDF यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ओपन। RKDF यूनिवर्सिटी एजुकेशन ग्लोरीफाइज नेशन। 30 जुलाई 1987 को श्रीलंका में गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान एक सैनिक ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर हमला कर दिया था। विदेशी धरती पर किसी भारतीय प्रधानमंत्री पर हुआ ये एकमात्र हमला था। भारत श्रीलंका शांति समझौते के लिए राजीव गांधी कोलंबो पहुंचे थे। राजीव गांधी श्रीलंका के राष्ट्रपति जेआर जयवर्धने के निमंत्रण पर श्रीलंका दौरे पर थे। ये दौरा भारत और श्रीलंका के बीच शांति समझौते को चिन्हित करने के लिए था, जिसे 29 जुलाई 1987 को हस्ताक्षरित किया गया था। वहीं 30 जुलाई 1987 को गार्ड ऑफ ऑनर की प्रक्रिया के दौरान श्रीलंका नौसेना के एक सैनिक विजय मुनि विजीता रोहाना ने राजीव गांधी पर हमला कर दिया। उसने राजीव गांधी के सिर पर राइफल के बट से हमला किया था। हालांकि राजीव गांधी इस जानलेवा हमले से बच गए और उन्हें गंभीर चोट नहीं आई। बता दें कि विजीता रोहाना इस शांति समझौते से नाराज थे, क्योंकि वो इसे भारतीय हस्तक्षेप के रूप में देख रहे थे। दरअसल ये समझौता भारतीय शांति सेना को श्रीलंका में तैनात करने के लिए हुआ था, जो कि लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे के साथ संघर्ष में शामिल था। इस हमले के बाद विजीता रोहाना को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर कानूनी कार्रवाई की गई। 30 जुलाई 1930 को फीफा वर्ल्ड कप का पहला फाइनल खेला गया था। यह ऐतिहासिक मैच उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो के सेंटेनारियो स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस विश्व कप का आयोजन फीफा द्वारा किया गया था। इसमें 13 टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 7 दक्षिण अमेरिकी, 4 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी टीमें शामिल थी। फाइनल मैच उरुग्वे और अर्जेंटीना के बीच खेला गया था। उरुग्वे ने अर्जेंटीना को 4-2 से हराकर मुकाबला जीत लिया था। उरुग्वे की इस जीत ने न केवल उन्हें फुटबॉल में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया, बल्कि फीफा विश्व कप को भी वैश्विक फुटबॉल में एक प्रतिष्ठित स्थान दिलाया, क्योंकि इस वर्ल्ड कप के पहले फुटबॉल एक बड़ा इवेंट केवल ओलंपिक खेलों में ही होता था। वहीं वर्ष 1920 के आसपास मांग उठने लगी थी कि फुटबॉल के लिए एक अलग वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाए। दूसरी ओर 1932 के ओलंपिक खेलों में से फुटबॉल को हटा भी दिया गया था। इसके बाद फीफा ने 26 मई 1928 को घोषणा की कि 1930 में फुटबॉल वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे, आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।